माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिश लैडर के बारे में कि फिश लैडर क्या होती है। कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो पीरियोडिकली टाइम टू टाइम अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ और डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम की तरफ रिवर के अंदर मूव करती हैं। उसके मूव करने के डिफरेंट पर्पस होते हैं, जैसे विंटर सीजन में डाउन स्ट्रीम की तरफ जाती हैं, अगर हिली रिवर रिवर है तो उसमें वार्म क्लाइमेट के को तलाश करने के लिए, और इसी तरीके से फिर मानसून सीजन में डाउन स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा टर्बिडिटी होती हो जाती है तो उससे बचने के लिए फिर अप स्ट्रीम में मूव करती हैं, या फिर स्पॉनिंग पीरियड में अप स्ट्रीम की तरफ मूव करती हैं। तो इस तरीके की फिशेस को हम एनाड्रोमस फिशेस कहते हैं। और ये जब मूव करती हैं, अगर उस बीच में जो है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर आता है जैसे कि वियर, बैराज या डैम, तो इनमें फ्लो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर पे जब वाटर मूव करता है हम पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी होती है और इसको जो है ये फिशेज ओवरकम नहीं कर पाती हैं, और इसकी वजह से ये अप स्ट्रीम की तरफ, डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम की तरफ नहीं आ पाती। तो इनके मूवमेंट को आसान बनाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए कि डाउन स्ट्रीम से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर से के अप स्ट्रीम की तरफ आ सकें और इनके यूजुअल लाइफ स्टाइल में कोई चेंज ना आए, इसके लिए जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट बनाया जाता है हम उसको फिश लैडर कहते हैं। फिश लैडर बनाने का मकसद ये होता है कि हमें पानी की वेलोसिटी को कम करना है, यानी उसकी जो एनर्जी है उसको डिसिपेट करना है। इसके लिए हम स्टैगर्ड मैनर में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन लगाते हैं फ्लो डायरेक्ट फ्लो के आगे, ताकि वो उनसे टकरा कर उसकी वेलोसिटी या एनर्जी डिसिपेट हो और उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाए। तो जहाँ पर हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि ये एक एग्जांपल दिया गया है, तो इसमें देखें ये फ्लो डायरेक्शन है, यानी ये अप स्ट्रीम है और ये डाउन स्ट्रीम है। तो ये डाउन स्ट्रीम से फिश जो है जब अप स्ट्रीम की तरफ मूव करेगी तो उसको हाई वेलोसिटी का जो फ्लो है वो उसको अपोज करेगा उसके मूवमेंट को। तो इस अपोजिशन को कम करने के लिए, यानी फ्लो वेलोसिटी को कम करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक फिश लैडर बनाएंगे यहाँ पे, जिसमें इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन दिए हुए होंगे। जब फ्लो इधर से आएगा अप स्ट्रीम से तो वो पहले इस वॉल से टकराएगा और टकराने के बाद इसकी एनर्जी डिसिपेट होगी, फिर ये इस तरीके से मूव करता हुआ इस डायरेक्शन में इस तरीके से स्ट्रीम लाइन्स मूव करेंगी और फिर इस तरीके से ये स्मॉल ओपनिंग से फिर बाहर आएगा। फिर जब फ्लो वेलोसिटी थोड़ा बढ़नी शुरू होगी फिर दोबारा ये ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा जिससे ये टकराएगा और कोलाइड करेगा, जिसकी वजह से फिर इसकी एनर्जी रिड्यूस होगी और एनर्जी डिसिपेट होगी। इस तरीके से हम पूरे फ्लो की वेलोसिटी को डिफरेंट लोकेशंस पे रिड्यूस करते हैं और इसकी एनर्जी को डिसिपेट करते हैं, जिससे कि फिश आसानी के साथ मूव कर सके और इस फ्लो की वेलोसिटी रिड्यूस हो जाए। तो ये फिश लैडर होता है, और ये वियर्स, बैराज और छोटे डैम जो होते हैं उसके अंदर ये फिश लैडर बनाया जाता है। और अगर डैम की हाइट 100 मीटर से ज़्यादा है तो वहाँ पे मैकेनिकल अरेंजमेंट ट्रैमवेज का बनाया जाता है, ताकि फिश को डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम साइड में ट्रांसपोर्ट किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।